दोस्तों, कई स्टूडेंट के मन में यह सवाल है कि जब स्टूडेंट की कॉपी एग्जामिनर के पास पहुंचते हैं तो एग्जामिनर क्या कॉपी में चेक करते हैं जो कि स्टूडेंट को कम मार्क्स या फिर ज्यादा मार्क्स देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, एग्जामिनर आपकी कॉपी में 5 चीज़ें चेक करते हैं जिसके वजह से आपको कम मार्क्स या फिर ज़्यादा मार्क्स देते हैं। अगर आपकी कॉपी में ये 5 चीज़ें हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी कॉपी में ये 5 चीज़ें नहीं है तो आपको कम नंबर मिलेंगे। अब चलिए जानते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या है। सबसे पहला चीज़ है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद अपना रोल कोड, अपना रोल नंबर, सिग्नेचर और सब्जेक्ट कोड, ये सबसे मेन रोल प्ले करता है आपकी कॉपी जांचने में। तो इसको आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज को मिस कर देते हैं तो भाई आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी कॉपी भी नहीं जांच होगा। तो आपको इसको मिस नहीं करना है। रोल कोड, रोल नंबर, सिग्नेचर, सब्जेक्ट कोड, ये आपका बेसिक चीजें हैं, तो इसको आपको जरूर भर देना है। दूसरा है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी के पहले पेज में कट पीट करके बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आपका जो पहला पेज है इसी को देख के एग्जामिनर ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये बंदा पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है, लिखने में भी कमज़ोर है, इन्होंने ज़्यादा कटपीट किया है, इसके वजह से इसको कम मार्क्स दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहला पेज में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, बस आपको राइटिंग के साथ लिखना है और थोड़ा बहुत आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। इससे आपको क्या होगा, नंबर कम मिलेंगे, नंबर कट हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि पहला पेज में आपको कट छाँट करके लिखना। तीसरा है कि कॉपी में प्रश्नों को क्रम से सॉल्व करें, यानी कि अगर आप पहला क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर अगर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो आपको दूसरे का जवाब देना है, तीसरे का जान रहे हैं तो तीसरे का जवाब देना है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको पहला का जवाब मालूम है, दूसरे का जवाब मालूम नहीं है, तो अगर आपको तीसरे का भी जवाब मालूम नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि चौथे का जवाब देने तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक के बाद आपको चौथे क्वेश्चन का ही जवाब देना है। अगर आप तीसरा का भी जानते हैं तो तीसरा का दीजिए, दूसरा का जानते हैं तो दूसरा का दीजिए, यानी कि आपको क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिए, फिर आप दसवां क्वेश्चन का दिए, फिर आप चौथा क्वेश्चन का दिए, तो ये तरीका गलत है। इससे थोड़ा सा निगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर को, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता है। चौथा टिप्स है कि प्रश्नों का आंसर पॉइंट में दे, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसका आप हेडिंग करके लिखें, यानी कि पहला लाइन में आपको इतना चीज़ लिखना है, फिर दूसरा लाइन में आपको इतना चीज़ लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज कर करके उसके बारे में जानकारी दें, यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। पांचवा चीज़ है कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि आप जानते ज़रूर होंगे, वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप जानते ज़रूर होंगे, तो आपको क्या करना, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो उसके बारे में सुने होंगे, कोचिंग में सुने होंगे या फिर जहां भी सुने होंगे, बुक में पढ़े होंगे, तो उसके बारे में जितना जानते हैं उसके बारे में उतना लिख दीजिए, लेकिन अटेम्प्ट पूरा कीजिए।